उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दो मिडिल टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट वन ट्राई कर लेते हैं हम। पार्ट वन में आपको क्या बोला हुआ है, गिवन है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर सेवन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट फाइव में लिखा हुआ है टू एन, मतलब पावर जो है ना वो टू एन है, तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगी। तो अगेन मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं प्लस टू करो डिवाइड बाय टू कर दो, तो टू कॉमन लोगे ऊपर एन प्लस वन बचेगा नीचे टू, तो वहां पे एन प्लस वन जो है ना वो वाली टर्म आपको निकालनी होगी। और एन प्लस वन टर्म कैसे निकालोगे, आर की जगह इनपुट कर देना जनरल फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में आर प्लस वन होता है ना, तो आर की जगह इनपुट कर देना, तो आपके पास एन प्लस वन टर्म आ जाएगी। इस तरह कर लो। अच्छा, तो हाँ इसके अंदर क्या करना है, दो मिडिल टर्म निकालनी है। दो मिडिल टर्म कैसे आएंगी, मतलब जबरदस्ती नहीं निकालनी, क्योंकि पावर ऑड है तो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो उसके अंदर मिडिल टर्म दो होंगी। तो निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a यहाँ पे x क्यूब है, b यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर है, और n यहाँ पे 7 है, ऑड है, दैट्स व्हाई दो मिडिल टर्म आएंगी। अच्छा जी, जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म फॉर्मूला होता है भाई एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म का फॉर्मूला इसको आप इस तरह कह लो, पहली मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म है ना यहां पर, तो फर्स्ट मिडिल टर्म, तो पहली मिडिल टर्म कैसे आती है, जनरल फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू एच टर्म। ठीक है, तो आप क्या करो, सेवन में जब आप वन ऐड करोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूं, सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये अल्लाह भला करे ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो पहली मिडिल टर्म जो है फोर्थ टर्म है, दूसरी फिफ्थ होगी, लेकिन चलो उसकी कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। सेकेंड मिडिल टर्म, तो वो उसका जनरल फॉर्मूला होता है एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, एन है सेवन, सेवन में जब थ्री ऐड करोगे टेन, टेन को जब आप टू से डिवाइड करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। सही है बच्चों। अब सवाल ये है कि दोनों मिडिल टर्म आप निकालोगे किस तरीके से, हेडिंग बना दो फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म। पहली मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, पुट आर की जगह पे थ्री, क्योंकि अगर आपको चौथी टर्म निकालनी है आप आर की जगह पे थ्री पुट करोगे, थ्री प्लस वन फोर होगा, तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको वन बोल देते ना हम, आसानी हो जाएगी, तो पुट कर दो इसके अंदर, आर की जगह थ्री पुट कर दिया, एन यहां पे बच्चों सेवन है, अच्छा ए यहां पे है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस थ्री, बी है यहां पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है आर मतलब थ्री। इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरीके से करोगे, सेवन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, एक्स क्यूब की पावर फोर है तो पावर आपको से मल्टीप्लाई होती है, थ्री की पावर फोर मतलब थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व, और यहां पे हो जाएगा x की नीचे, मतलब नीचे पावर 2 है, 1 की पावर क्यूब तो 1 ही होता है ना, एक्स स्क्वायर की पावर जब क्यूब होगी तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, x की पावर 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, 7c3, 7c3 ये तो बड़ा इजी है, 35 आ रहा है, तो 35 कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल, ये 6 बच जाएगी पावर इसकी, तो 35x की पावर 6, ये आपके पास चौथी टर्म मतलब पहली मिडिल टर्म ये होगी, दो मिडिल टर्म है ना, तो पहली मिडिल टर्म आपने निकाल ले, पेपर में आप सामने कर लेना, मेरे पास जगह है तो मैं ही कर रहा हूं, सामने मतलब नीचे फॉर, क्योंकि इतना कंजेस्टेड लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में आपने प्रॉपर सही तरह करने, विजिबिलिटी सही हो, जगह हो, कि अगर मार्किंग कर रहा है तो किसी विजिबल जगह में करे, ये ना ऊपर कोने पे मार्किंग कर रहे बाद में वो काउंट करते हुए इशू ना हो, बेस्ट तरीका होता है कि आप थोड़ा विजिबल सही तरीके से करो। सेकेंड मिडिल टर्म है पांचवी टर्म, पांचवी टर्म में आपको आर क्या पुट करना पड़ेगा, आर आपको पुट करना पड़ेगा फोर, तो पुट आर इक्वल टू फोर इन वन में, तो वन में आप आर फोर पुट कर दो, फोर प्लस वन एन सेवन है, सेवन सी फोर हो जाएगा, अच्छा जी एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस फोर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर फोर, तो ये हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल,
ये हो जाएगा 3, 7 माइनस 4 3 होता है x क्यूब, मतलब 3 से 3 मल्टीप्लाई करो x की पावर 9 और ये हो जाएगा x की पावर 8। तो 7c4 या 7c3 35 ही आता है, इसको कैंसिल करो ऊपर 1 पावर बच जाएगी, मतलब x बच जाएगा। तो जो आपकी फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 35x है। तो एक मिडिल टर्म आ गई 35x6, दूसरी मिडिल टर्म आ गई 35x। सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसी तरह आपने बाकी भी करने हैं। पार्ट नंबर 4 में पावर 2n+1 है, तो शायद इसमें मिडिल टर्म निकालने में मसला हो तो मैं बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो पावर है 2n+1, इसमें 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2n+2 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे n+1। तो एक मिडिल टर्म होगी n+1, दूसरी n+2 होगी, कैलकुलेशन करके दिखा दो। दूसरी मिडिल टर्म में आप +3 ऐड करते हो, ये हो जाएगा 2n+4/2, 2 कॉमन लो n+2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा n+2। तो उसके बाद तो इजी है, जो ये वाली मिडिल टर्म है इसमें आप r की जगह n पुट करोगे, और जो दूसरी वाली मिडिल टर्म है इसमें r की जगह n+1 पुट करोगे। जनरल फॉर्मूले में ये होता है ना, तो यहां पे r की जगह पुट कर देना n+1, तो n+1 और +1 n+2, तो आपके पास n+2 टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों मिडिल टर्म निकाल लोगे, बाकी तो सब वैल्यूज वाले, तो उसमें तो आप क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रहा हूं, लेकिन 7 के साथ मैं 8 के दो पार्ट भी करवा रहा हूं, तो जरा गौर से समझना। मतलब 8 का एक ही पार्ट करवा दूंगा, कवर दो हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बनता है ये, कि आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये निकालनी होती है। जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। लिखा हुआ है x-1/x² की पावर 15। राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना किसको, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। अच्छा, जब भी आपको एक्सपेंड करते हो ना, सबसे पहली बात बाइनोमियल में x कहीं ना कहीं हो ना, तो ये x आपको नजर आ रहा है दोनों जगहों पे। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, पावर इसकी 15 है, टोटल 16 टर्म बनेगी। तो 16 टर्म में कुछ ऐसी टर्म हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है, फ्रैक्शंस फॉर्म में होना तो तब ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी भी टर्म हो जिसके अंदर एक्स ना हो। अगर फ्रैक्शन में बात ना हो ना, तो फिर कैंसिल नहीं होते, उसमें हर टर्म में एक्स नजर आ रहा होता है आपको। बर तो तभी मैंने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि इन 16 टर्म में कोई ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स हो ही ना, मतलब एक्स कैंसिल होकर जस्ट कॉन्स्टेंट मौजूद है 35, दैट्स इट, कोई वेरिएबल वाले टर्म नहीं है उसके साथ। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कैसे आपको पता चलेगा, अगर याद रखना आर जो है ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बता दूंगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, कैसे मालूम करोगे, जनरल टर्म आप यूज करोगे। जनरल टर्म यूज करने से पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ए यहां पे है एक्स, बी यहां पे है -1/(x²), एन यहां पे है 15। जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करो, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जरा एक्सपेंड करते हैं इसको, आर आपको अभी नहीं पता तो आर ही रहने दो, एन यहां पे 15 है, क्योंकि आर तो आपको उस वक्त पुट करते हो ना जब आपको पता है कि आपने ये वाले टर्म निकालनी है, पांचवी निकालनी है, दसवीं निकालनी है, आपको तो यहां पर पता ही नहीं है कौन सी टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, तो आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, आर अभी नहीं पुट कर सकते हैं। ए यहां पे एक्स है, तो एक्स की पावर 15 माइनस आर, बी यहां पे -1/(x²) है, तो उसको अपने जगह पे रखना। अच्छा, अब इन सवालों पे टर्म, अच्छा ये सवाल आपको नजर आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट में लिखा हुआ है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, मतलब जिसमें एक्स की पावर क्यूब आ रही हो, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है जिसमें एक्स की पावर 10 आ रही हो, फिर बाकी पार्ट में लिखा हुआ है पावर -2 हो या पावर 1 हो। तो इन सब सवालों में टेक्निक ये होती है कि आपने x को एक साथ करना होता है, x को आप एक साथ कर लो। अरे आप x को कैसे एक साथ करोगे, सबसे पहली बात कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लो, मतलब कोफिशियंट को, और x को एक साथ कर लो। तो ये 15 सी आर, इसको मैंने कर लिया। अच्छा, ये जो r है ये -1 के ऊपर भी है और x² के ऊपर भी है, तो मैं काम करता हूं -1 के ऊपर r जो है इसको मैं अलग कर देता हूं। मैं इसको भी 1 ही लिख सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है ना r इवन है ऑड है क्या है, तो अभी मैं बेदहानी में थोड़ा लिख दूंगा। तो -1 की पावर r को मैंने अलग कर लिया। अब पीछे क्या बचा है, एक तो यहां पे बची गई x की पावर 15 माइनस आर, और यहां पे ये r जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होगा ना, तो ये 2r हो जाएगा।
दोबारा बताता हूं, इस वाले टर्म को मैंने एज इज लिख दिया, ये आर जो है ये माइनस वन के ऊपर अप्लाई होगा तो माइनस वन की पावर आर, ये आर एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो एक्स की पावर टू आर। इस माइनस को आप एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वही चीज हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर, अगेन माइनस वन आपको अलग करना पड़ जाएगा, फिर तो मुसीबत में पड़नी है, क्या जरूरत है, इस तरीके से आप कर लो। अब अगर आप ऑब्जर्व करो कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है, इनका आंसर कांस्टेंट ही होगा ना कुछ, ये अलग है और वेरिएबल अलग है, लेकिन अभी भी वेरिएबल को एक्स को आपने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, आपको बिल्कुल एक एक्स की टर्म चाहिए, सिंप्लीफाइड करो आप इसको। तो मजे सिंप्लीफाई कैसे होगा, मजे सिंप्लीफाई इस तरीके से होगा कि एक्स की पावर 15 माइनस आर है, नीचे जो एक्स की पावर 2 आर है, ऊपर आके क्या हो जाएंगे माइनस 2 आर, और बस एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा और वही होगा कि बेसिस सेम है, इन दोनों के देखो बेसिस सेम है, पावर उसको ऐड कर दो तो 15 माइनस आर और माइनस 2 आर तो ये हो जाएगा माइनस 3 आर। अब अगर आप इस जनरल टर्म को देखो, इसमें आपको कोफिशिएंट अलग नजर आ रहे हैं एक तरफ, और जो वेरिएबल एक्स है वो आपको एक तरफ नजर आ रहा है। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, अब जो सवाल में आपको बोला गया ना वो आपने करना, तो अब ये मैं केसेस करके आपको करवा रहा हूं, मैं यहां पे आपसे तकरीबन दो केसेस तो डिस्कस कर रहा हूं, पेपर में दो केसेस नहीं करने, पेपर में जो केस आपसे आ रहा है वही करना है। अभी इस सवाल में उन्होंने बोला कि ऐसी टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो मतलब पहला केस ही आपने करना है, दूसरा केस जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू के दो पार्ट का मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, फॉर टर्म अच्छा तो हमने करना क्या था, हमने ऐसी टर्म मालूम करनी थी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। देखो किसी भी टर्म में अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर जीरो है वहां पर। अगर आपको फॉर एग्जांपल 35 लिखा हुआ है, अब 35 के साथ तो एक्स नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो ना एक्स की पावर जीरो है, एक्स की पावर जीरो क्या वन हो जाएगा वो, मतलब एक्स वहां से हट गया ना। लेकिन अगर आप फर्जी तौर पर उसको लाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर जीरो। तो ऐसी टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो टर्म कहलाई जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब उस टर्म में एक्स मौजूद नहीं है। अगर जीरो के अलावा कोई और पावर होगी तो उस टर्म में एक्स मौजूद होगा। तो आपको अगर वो वाली टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब उसमें एक्स की पावर क्या होगी, जीरो। तो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वी हैव, ये जो पूरी पावर लिखी हुई है ना एक्स की 15 माइनस 3 आर, ये क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। कैसे, क्योंकि जो भी टर्म में एक्स नहीं है तो एक्स नहीं होने का मतलब एक्स की पावर जीरो है। तो आप इस पावर जीरो को रखो, कहने का मतलब आप वो आर निकाल रहे हो कि आर की किस वैल्यू पे ये पावर पूरी जीरो हो जाए। तो मुझे वैसे लग रहा है आर की वैल्यू 5 आएगी, जब आर यहां पे आप 5 पुट करोगे ना तो ये 15 माइनस 15 मतलब जीरो हो जाएगा पूरा। तो आर की वैल्यू 5 जब आप पुट करोगे तो आपकी टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, सही। तो यहां निकाल के दिखा दो, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 3 आर, आर यहां पे 5 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर आप r की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। आप सिर्फ आपको मालूम नहीं करना था कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, वैसे छठी टर्म होगी, मतलब r 5 पुट करोगे तो छठी टर्म आएगा ना आपके पास, तो छठी टर्म जो है ना इस एक्सपेंशन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेकिन आपको मालूम भी करनी है वो टर्म, तो जरा उस टर्म को भी मालूम करते हैं। कैसे मालूम करोगे, r की वैल्यू पुट कर दो, फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 कह देता हूं, तो पुट r इक्वल टू 5 इन 1, तो 1 में आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1। अब n यहां पे तो आपने पुट किया हुआ था 15 सी, r की जगह 5 पुट कर दिया, अब देखो माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगी तो नेगेटिव आएगा, और x की पावर 15 माइनस r की जगह आपने 5 पुट कर दिया। तो अब सवाल डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका, 15 या चलो एक स्टेप कर लेते हैं और, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 होगा और ये x की पावर 0 हो जाएगा। तो आपने r की ऐसी वैल्यू पुट की कि इसमें x की पावर 0 होगी, मतलब x यहां पे खत्म हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 15 सी 5 आंसर आ रहा है 3003 और ये माइनस मैंने इधर लिख दिया, तो उसका मतलब इस एक्सपेंशन की छठी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और वो है क्या, वो है माइनस 3003, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल तो समझ आ गया होगा आपको, इसमें बाकी पार्ट आपको ट्राई कर लेना, कोई इतने मुश्किल नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 देख लेना, पार्ट 4 शायद मसला कर सकता है। तो मैं चलो बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको,
इसके अंदर क्या होगी, पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर सेवन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म निकाल रहा हूँ, जनरल फॉर्म देखो किस तरह का निकालूंगा। तो जनरल फॉर्म होगी टी आर प्लस वन एन पार्ट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सेवन। तो एन यहां पे नाइन है, नाइन लग रहा है मुझे तो, नाइन सी आर, ए यहां पे है फोर एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री नाइन माइनस आर, और बी है यहां पे माइनस थ्री अपॉन टू एक्स की पावर आर। जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एन सी आर। अच्छा अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपने अलग कर रहे, सबसे पहली बात 4 अपॉन 3 जो है कांस्टेंट है, तो 4 अपॉन 3 की पावर n माइनस आर इसको अलग कर लेते हैं, और जो x स्क्वायर है इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया, ये जो पहली आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें ये जो n माइनस आर है ये 4 के ऊपर भी है, ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी है, और नीचे वाले 3 के ऊपर भी है। तो 4 अपॉन 3 जो है उसको मैंने अलग कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 अपॉन 3 को मैंने अलग कर दिया, और इसके ऊपर पावर n माइनस आर आ गई, और जो वेरिएबल है ना एक्स स्क्वायर इसके ऊपर भी पावर आएगी, और आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये वाला 2 और ये वाला n माइनस आर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, नेक्स्ट टाइम मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इनके साथ क्या हो रहा है, अगेन इसमें भी आप यही काम करो, ये माइनस 3 अपॉन 2 की होल पावर आर लिखो आप, तो माइनस 3 अपॉन 2 आपने अलग कर लिया, और जो 1 अपॉन x है 1 अपॉन x की पावर r करो, 1 की पावर r और x की पावर r, तो बस आपने कांस्टेंट अलग किए और पावर आर आर करते गए। फिर आप एक साथ कर लो एनसीआर 4 अपॉन 3 की पावर 9 माइनस आर माइनस 3 अपॉन 2 की पावर आर। इनको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब आर की वैल्यू पुट करोगे तभी सॉल्व करना। अब यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स की पावर 18 माइनस 2 आर, और ये जब ऊपर आएगा तो इसमें एक्स की पावर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको बेसिस सेम करोगे पावर एड होंगे ना, तो माइनस 2 आर माइनस आर ये हो जाएगा माइनस 3r। तो इन शॉर्ट ये आपके पास जनरल टर्म आ रही होगी, बस काम खत्म। इसको आप इक्वल टू जीरो रखना, तो बच्चों r की वैल्यू यहां पे 6 आ रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करना, आप जनरल टर्म में r की जगह पे 6 पुट कर देना, तो आपके पास टर्म आएगी 9c6 4 अपॉन 3। यहां पे 6 पुट करोगे 9 माइनस 6 3 होता है, माइनस 3 अपॉन 2 यहां पे r की जगह 6 पुट कर देना। ठीक है, और x के अंदर आप 6 पुट कर देना मतलब r की जगह पे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि टर्म x की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके पास जस्ट कांस्टेंट बच जाएंगे। बाकी काम बच्चों कैलकुलेटर का है, 9c6 इजी होगा कुछ, हाँ 84 आ रहा है। सवाल ये कि इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लो, तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, अच्छा जी मल्टीप्लाई माइनस की पावर 6 करोगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, आप 3 की पावर 6 करो और नीचे 2 की पावर 6 करो, और आंसर आ रहा है 27, इसको 84 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 2268। तो आप अच्छा बाय द वे आर 6 पुट करोगे तो 7th टर्म आएगी, तो इस वाली एक्सपेंशन में 7th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और वो है क्या 2268 है। तो इस तरीके से आगे वाला क्वेश्चन करोगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 9 में ही करवा रहा हूं, आप लोग फिर स्टेप में कर लेना। देखो भाई, डज द एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन गिवन है कंटेन अ टर्म, ये चलो इसको मैं बाद में करवाता हूं, पहले 8 आ जाओ। 8 में अगर आप पार्ट नंबर 2 देखो ना, पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स 10 इन द एक्सपेंशन। वो कह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में जो एक्स की पावर 10 है वो वाली टर्म मालूम करो, मतलब हमें ऐसे टर्म बताओ जिसमें x की पावर 10 आ रही है, वो टर्म क्या है वो आपको मालूम करनी है। तो मैं एक्सपेंशन चेंज है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है शायद, मैं वही एक्सपेंशन चलो सवाल ही चेंज कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 आप लोगों को करवा रहा हूं। तो एक्सपेंशन इसमें है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब की पावर 10। पहले मुझे तो केसेस बनाए करवा लूं, लेकिन कोई मसला नहीं, ऐसी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से ऐसी टर्म मालूम करनी है, वी हैव टू फाइंड द टर्म विच इन्वॉल्व एक्स की पावर 10। हाँ, जिस वाले टर्म में एक्स की पावर 10 आ रही है वो टर्म आपको मालूम करनी है। किस तरह मालूम करोगे, बहुत इजी प्रोसेस है, आपको यहां पे ए पता होना चाहिए, आपको एक अदद बी पता होना चाहिए, और आपको यहां पे हस्बे जायका एन पता होना चाहिए। जब ये पता हो जाए तो सबसे पहले आप निकालोगे जनरल टर्म, जनरल टर्म में एन है 10 सी आर,
एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। अगेन वही गोल है, कोफिशियंट कॉन्स्टेंट एक साथ वेरिएबल बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो 10 सी आर ये हो जाएगा एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से 20, 2 को माइनस आर से करो माइनस 2 आर। इसी तरीके से माइनस 1 की पावर आर को अलग कर लो और 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर करोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब आर को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आर। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 10 सी आर और माइनस 1 की पावर आर इसको अलग कर लो। अब वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर और ये जो है x की पावर 3 आर, ऊपर लेके आओगे तो x की पावर माइनस 3 आर। बेसिस सेम, अगेन पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 10 सी आर माइनस 1 की पावर आर x की पावर 20 माइनस 5 आर। यहां तक तो आप पहले भी काम करते आए थे। अब आपको वो वाली टर्म निकालनी है जिसमें x की पावर 10 है, तो आप लिखो फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 10 वी हैव 20 माइनस 5 आर 10 के बराबर। अब मैंने 20 माइनस 5 आर को 10 के बराबर क्यों रखा है भाई, जो पावर आपको चाहिए उसी के बराबर रखो। आपको ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 10 है, तो यहां पे x की पावर क्या है, यहां पे x की पावर 20 माइनस 5 आर है, तो 20 माइनस 5 आर को 10 के बराबर रखो और r की वो वैल्यू मालूम करो जिसपे x की पावर 10 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब आप इसमें r मालूम करोगे तो ये सिचुएशन होगी, क्या आ जाएगा 10 और r की वैल्यू यहां से 2 आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, जब r यहां पे आप 2 पुट करोगे तो x की पावर 10 बच जाएगी पीछे। तो आपको पहले पता नहीं होता ना कि कौन सी टर्म में x की पावर 10 आ रही है, तो आप r की वैल्यू मालूम करते हो, वो r की वैल्यू आपको बताती है कि हाँ r की मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो x की पावर 10 आ रही है, और उस r की वैल्यू से आपके पास टर्म भी आ जाती है पूरी जिसमें x की पावर 10 आ रहा है, और आपको नंबर ऑफ टर्म भी पता चल जाता है कि वो कौन सी टर्म है। सही है, तो अब आप r जो है इसके अंदर पुट कर लेना, पुट r इक्वल टू 2n1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे t r प्लस 1 था, ये हो जाएगा t 2 प्लस 1, r की जगह 1 पुट किया, मतलब तीसरी टर्म जो है उसमें x की पावर 10 आ रही है। और इस तरह भी पुट कर दो, 10 c 2 माइनस 1 की पावर 2 x की पावर 20 माइनस 5 r की पावर 2। तो 10 c 2 क्या होगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 9 और 25 मल्टीप्लाई 45 होगा, और ये 20 माइनस 10 एक्स की पावर 10, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 45 एक्स 10 तीसरी टर्म। तो एक तो आपका आंसर भी आ गया, आपको ऐसी टर्म मिल गई है जिसमें एक्स की पावर 10 आ रही है, और आपको ये भी साथ पता चल गया कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ये तीसरी नंबर ऑफ टर्म है इस एक्सपेंशन की। ठीक है, अब पार्ट नंबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो क्या करोगे आप, पूरी पावर को किसके बराबर रखोगे, 3 के बराबर रखोगे, क्योंकि आपको वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स क्यूब आ रहा है। इसी तरह अभी एक ही सवाल है, यहां पे x की पावर 0 होती थी ना, तो यहां पे 0 के बराबर रखते थे, मे बी पेपर में आ जाए कि जिसमें x की पावर माइनस 2 हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, यहां पे x की जो भी पावर है उसको माइनस 2 के बराबर रखोगे और देखोगे क्या आंसर आ रहा है आपका सही है नहीं। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट नंबर 3 और 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का वो मैं बताता हूं आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है डज द एक्सपेंशन कंटेन्स अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या इस एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब उसमें एक्स नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे इसके अंदर। एक्सपेंशन एक ही है, पार्ट दो लिखे हैं, पहले पार्ट में आप क्या करोगे, पहले एक्सपेंशन आप लिख लेना, आप एबीसी लिख देना, जनरल टर्म फॉर्मूला लिख देना, यहां तक आपने कर लेना। अब इसके पार्ट वन पार्ट टू यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये तो वर्किंग है, ये तो कॉमन है दोनों पार्ट के लिए। जब आप जनरल टर्म निकाल लो, अब पार्ट नंबर वन पे आना, लिखा हुआ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वही बात है, अगर इस मैंने बताया था जरूरी थोड़ी ना होता कि हर एक्सपेंशन में एक्स की टर्म मौजूद, मतलब ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स ना हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हर टर्म में एक्स मौजूद हो, तो जरूरी नहीं होता। तो जनरल टर्म निकालने के बाद जो भी एक्स की पावर आ रही होगी उसको अब जीरो के बराबर रखना और जरा चेक करना किस आर की वैल्यू पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म आ रही है। तो जब आप आर की वैल्यू निकालोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो जब भी r की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो आप समझ जाना यार इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई ऐसी टर्म होती जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होती तो उसमें r की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पांचवी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो r 4 आ जाता, दसवीं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो r 9 आ जाता,
तो अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी तो आर की कोई नेचुरल वैल्यू आ रही होगी ना, या ज्यादा होल वैल्यू आ जाएगी जीरो, पहली टर्म में आर जीरो होता है ना। तो आप क्या करना, आप आर को जीरो के बराबर रखना। अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा तो समझ जाना भाई इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, तो वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आर फ्रैक्शन है लिख देना, सिंस आर डजंट बिलोंग टू होल नंबर लिख देना आप सिंपल, दैट्स व्हाई देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग, देयर इज नो टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसी तरह पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 10, तो आप उसमें यही काम करना, जो जनरल टर्म निकाली होगी ना उसको रखना 10 के बराबर। आप 10 के जैसे इसी को 10 के बराबर रखो और देख लो आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी, तो जब आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी अगेन लिख देना कि सिंस आर डजंट बिलोंग टू होल नंबर therefore there is no term involving x की पावर 10, ठीक है। और अगर इस सवाल में जस्ट आपसे पूछा था does the expansion contain a term या नहीं, इसमें आपको term निकालने को नहीं बोला गया था, बिलफर्ज अगर पेपर में कोई सवाल आता है जिसमें r फ्रैक्शन ना आ रहा हो तो उसमें बोल देना r 5 है और रिजल्ट पे लिख देना hence, फॉर एग्जाम्पल r अगर 5 आ रहा होगा तो लिख देना hence sixth term of this expansion is independent of x या इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 10। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल दो, लेकिन बस सवाल अगर पूछा इस तरह जाए तो जस्ट आपको बताना होगा यार ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो दसवीं टर्म है, निकालना चाहो तो और अच्छा काम है, चलो निकाल भी देना साथ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, करवाने की तो ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन एक्सपेंशन शायद थोड़ी मुश्किल हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, एक्सपेंशन क्या है, वाई प्लस पी क्यूब वाई स्क्वायर की पावर 10, ये लिखा है और बोला हुआ है कि ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द कोफिशिएंट ऑफ y की पावर माइनस 2 इन द एक्सपेंशन, कि आपको बेसिकली कोफिशिएंट निकालना, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट है ना उसमें निकालना, जो आखिरी के दो पार्ट है उसमें कोफिशिएंट आपको निकालना है, जस्ट y की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट आपको निकालना है। अब किस तरीके से निकालोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, पहले जनरल टर्म बनाओ फिर y की जो भी पावर आ रही होगी उसमें माइनस 2 के बराबर रख लेना। सबसे पहली बात, a यहां पे y है, b यहां पे b क्यूब अपॉन y स्क्वायर है, n यहां पे 10 है, चाहो तो चेंज कर लो इसको कैपिटल a इसको कैपिटल b कह देना ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद। तो आप जनरल टर्म निकालो, यहां पे जनरल टर्म होती है एन सी आर, ये हो जाएगा 10 सी आर y की पावर 10 माइनस आर, और b क्या है b क्यूब अपॉन y स्क्वायर की पावर आर। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कोफिशिएंट को एक साथ कर लो और y की टर्म को एक साथ कर लो, तो यहां पे y की पावर आपको नजर आ रही है 10 माइनस आर, यहां पे b एक कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा b की पावर 3 आर, और नीचे y का स्क्वायर मौजूद है उसकी पावर r करोगे तो ये 2 आर हो जाएगा। उसके बाद 10 सी आर अपनी जगह पे लिखो, b की पावर 3 आर लिखो, y की पावर 10 माइनस आर, और नीचे वाला ऊपर आके क्या हो जाएगा y की पावर माइनस 2 आर। फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आपका आखिरी स्टेप है, b की पावर 3 आर ये हो जाएगा 10 माइनस 3 आर, ये सिचुएशन आ गई। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है, अब आपको ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें मतलब ऐसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है जिसमें y की पावर माइनस 2 है, तो आप लिखो फॉर टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर माइनस 2, ऐसी टर्म जिसमें y की पावर माइनस 2 आ रहा हो, तो कैसे निकालोगे आप, जस्ट आप 10 माइनस 3 आर को बराबर रख लो माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 3 आर, ये 12 हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पांचवी टर्म है, क्योंकि r की वैल्यू 4 आ रही ना, पांचवी टर्म जो है ना उसमें y की पावर माइनस 2 आ रही है, उसका आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो इसमें इसको फॉर एग्जाम्पल 1 बोल दो, r की वैल्यू पुट कर दो आप 1 के अंदर, तो पुट r इक्वल टू 4 इन 1, तो अब यहां पे r की जगह 4 पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 सी 4, ये हो जाएगा b की पावर 3 r था ना, तो b की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा y 10 माइनस 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा b की पावर 12 और ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2। अच्छा आपको जस्ट कोफिशिएंट चाहिए था, तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, 10 c 4, तो 2 10 b 12, ये है कोफिशिएंट उस टर्म का
लिख देना अगर चाहो तो लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर माइनस टू। ये उस टर्म का कोफिशिएंट है जो आपको मालूम करना था जिसके अंदर क्या आ रहा है y की पावर माइनस टू आ रहा है। तो यार काफी सवाल इस टाइप के किए हमने, डिफरेंट बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, आप लोग उसके आंसर कर देना ठीक है।